प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव पर पूरा हुई मतदान। नगरी निकाय के 370 वार्ड पर 1345 प्रत्याशी के किस्मत दांव में। प्रदेश भर में कुल 1000 मतदान केंद्र में मतदाता अपन मत के करीब प्रयोग। सूरजपुर में फर्जी रूप से मतदान करे पहुंचे युवक ल पकड़े गई रंगे हाथ। कांग्रेस प्रत्याशी लगाई भाजपा ऊपर फर्जी मतदान कराए के आरोप। कोयला लले के राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार दिखा थे आमने सामने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी ले करी भूपेश बघेल की शिकायत। हसदेव अरण्य के कोल ब्लॉक लटकाए के लगाई आरोप। अब गोठान में गोबर खरीदी के लेखा जोखा। आजीविका मिशन के संग पैरादान के मोबाइल में ही मिल सकी ऑनलाइन जानकारी। गोठान प्रबंधन पर बनाए गए मोबाइल ऐप गोठान मैप के सीएम भूपेश करी लोकार्पण। दिवंगत पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश वल्यानी पंच तत्व में हुई विलीन। अंत्योष्टि में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल पार्थिव शरीर ला धीर कंधा। प्रस्तावित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बरमकेला ला शामिल करे जाए के उठी विरोध। बरमकेला ला यथावत रायगढ़ जिला में ही रखे जाए लले के तहसीलदार सौंपे गए ज्ञापन। जांजगीर के मड़वा स्थित अटल बिहारी ताप विद्युत गृह में बो विस्थापित मन नियमितीकरण के मांग लाले के पूरा परिवार संग धरना में बैठी। पाछू 16 दिन ले आंदोलन करत लोगन जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब धरना में बैठे रहे के कहते बात। शीतलहर सबसे ठंडा दिन रही कल। जसपुर शहर के पारा रही 4 डिग्री। अंबिकापुर और पेंडा रोड में पारा पहुंचे 6 डिग्री। मैनपाट में दिखे ल मिली बर्फ के चादर। मैदानी इलाका में पारा रही सामान्य से 4 डिग्री कम। और रायपुर एम्स में नौकरी लगाए के नाम में फिर 4 युवक मन हुई ठगी के शिकार। वार्ड बॉय के नौकरी लगाए जाए के नाम में बेरोजगार मन ले करे गए 5 लाख के ठगी।